एक तेंदुआ हम लोग को दिखा था आगे, ये पावर लेते हुए अपनी छैलू किसका नाम है, हमारी गाड़ी जो है जाम में फंसी है। इधर देखिए आप, जाम खाली, पालिंग करो, छोड़ो पालिंग करो, बॉलिंग कौन करेगा। भैया गंदा गंदा खतरनाक कर रहे, तीन लोग बैठे हैं, इसका चालान होगा। आज फर्स्ट जनवरी है तो आप साले 6 घंटे ट्रैफिक फंसे हैं हम लोग। तित्तरों की भीड़ देख लीजिए। व्लॉग जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग न्यू ईयर पार्टी मनाने जा रहे हैं सोनपथरी, तो हमारे साथ पूरी हमारी टीम है और हम यहां से निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रही हैं और हमारे गाड़ी आ चुकी है और यहां से निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको हाईवे पे। हम लोग चल रहे हैं भिंगा पहुंचने वाले हैं, जस्ट यहां से बस 5 किलोमीटर दूर है भिंगा, फिर भिंगा से हम लोग जाएंगे सिरसिया, फिर सिरसिया से 10 किलोमीटर आपका सोनपथरी पड़ जाएगा। और हमारे साथ हमारी टीम है, ये अक्षय सर हैं, ये हमारे पायलट साहब जो गाड़ी चला रहे हैं, और पायलट साहब हैं जो इनकी गाड़ी में कभी ब्रेक नहीं लगता है, ये बिना ब्रेक के गाड़ी चलती है, नॉन स्टॉप है ये गाड़ी, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। ये हमारे आशीष भाई हैं जो कि बढ़िया आनंद ले रहे हैं गाड़ी में बैठे, ये हमारे दद्दा हैं जो पीछे बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, दिखाते हैं, ये हमारी बजट वाली कार है और हम लोग बजट देख के ही जा रहे हैं सोनपथरी। और बस यहाँ से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है भिंगा, बस 5 या 6 किलोमीटर यहाँ से भिंगा पड़ जाएगा, फिर भिंगा से आगे सिरसिया, फिर सिरसिया से 10 किलोमीटर आगे हम लोग को जाना है। चलिए मिलते हैं आपको भिंगा में। तो गाइस हम लोग भिंगा पहुँच चुके हैं ये सिरसिया जंगल में, और आप जंगल का रोड देखिए कैसा है। एक तेंदुआ हम लोग को दिखा था आगे, बाबा का देख के डरा। अगर और कुछ दिखेगा तो अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। हमारे बाबा हैं पायलट बाबा, इनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता है तो इनको देख के तेंदुआ भाग गया। एक तेंदुआ देखे और गाइस, ये देखे कितने तेंदुए बैठे, ये इधर देखे गाइस, पूरे तेंदुए। एक चाचा जा रहे हैं गाड़ी पे, सिरसिया बाजार पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय वाय के लिए, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका पड़ जाएगा मंदिर और सोनपथरी, चल के देखते हैं वहाँ पे। अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। जीपर आपके जेब में है तो चाय पी के हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बस 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वापस अपने डेस्टिनेशन पे। सोनपथरी के रोड पे हमारी गाड़ी जो है जाम में फंसी है, इधर देखिए आप जाम खाली, कितनी गाड़ियां हैं। वो भाई साहब भी बैक कर लिए हैं, अपनी भी गाड़ी बैक हो गई, अब यहाँ पे बहुत आराम से आप गाड़ी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बॉलिंग कौन करेगा, ओए वीडियो बना रहे एक टू ला बॉलिंग हम कर बे, बॉल लाओ ला हम कर बे, हम एक बैकिंग दे दे, हां हां ठीक है, एक बार यहां थोड़ा जाम लगा रहे तो हम मैच खेलने लगे हैं यहां पे, और अब मेरे हमारे आशीष भाई बैटिंग करने जा रहे हैं और हमारे सर जी जो है वो बॉलिंग करने जा रहे हैं, और हम कर रहे हैं यहां मारेंगे यार। गाड़ियों की कटाव देखिए आप, निकल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लोग की गाड़ी साइड में करके खड़ी कर दिया है, अभी काफ़ी स्पेस है, निकल जाएगी गाड़ी। पायलट हमारे सब गाड़ी का चलान होगा, तीन लोग बैठे हैं, इसका चलान होगा। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जंगल वंगल है तो अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा ठंडी और बढ़ गई है। और ये देखिए आप, ऑफ रोडिंग आपको अगर सोनपथरी जाना तो ये ऑफ रोडिंग का सामना आपको करना पड़ेगा।
गाइस ये देखिए कंजेस्टेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे काफी जाम लगा है। अभी जैसे मीडिया आई यहाँ से जाम खुलने लगा है, वन वे है तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है गाइस। और आप बाकी आप देख ही सकते हैं बाइक वाले गाड़ी बढ़िया पिकअप में ऊपर खुला है, पूरा व्यू बंद ले ले व्यू का यहाँ पे। और आज 1 जनवरी है तो आप साढ़े 6 घंटे ट्रैफिक फंसे हैं हम लोग, तित्तरों की भीड़ देख लीजिए। 7.5 दिन से जाम लगे थे, जैसे ही मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे जाम अपने आप हट रही है। अगर हम लोग को पता होता इतना जो है कंजेस्टेड रहेगा तो हम लोग नहीं आते आज, प्लान नहीं बनाते फिर हम लोग थार लेके आते अपनी। हम लोगों ने कहा आज हम लोग अपनी छोटी बाइक कार से चलते हैं, टू व्हीलरों से नहीं निकल पाते सर जी। तो गाइज यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो है अभी प्लान में थोड़ा चेंज है और हम लोग इधर से यहीं से रिटर्न हो जाएंगे घर के लिए। अब अगले संडे में देखा जाएगा हम लोग जा पाते हैं कि नहीं सोनपत्री। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब।